सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम कौन से पार्ट पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? उ की मात्रा, है ना, छोटी वाली उ की मात्रा। छोटी वाली उ लगे एक शब्द बताइए, कौन सा शब्द है छोटी वाली उ लगे हुए शब्द? वेरी गुड, गुड़िया, है ना। गुड़िया के ग में छोटी वाली उ लगा है। हम पिछले क्लास को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट, क्या है, डुगडुगी बचाने वाला एक आदमी है और नाचने वाली एक गुड़िया है, है ना। देखो, बजी डुगडुगी, डुगडुगी मतलब ये आदमी के हाथ में जो ड्रम है, स्मॉल ड्रम है, उसे हम डुगडुगी कहते हैं, है ना। यह है डुगडुगी, दिस इज डुगडुगी। तो बजी डुगडुगी, तो यह आदमी डुगडुगी बजा रहा है। बजी डुगडुगी, जब डुगडुगी बजाया तो क्या हुआ? डुगडुगी की सुनकर धुन ठुमक ठुमक नाची गुनगुन, गुड़िया चुनमुन और सुमन बहुत खुश हुआ सबका मन। देखा क्या हुआ था, ये जो गुड़िया है वो ठुमक ठुमक कर नाच रही है, है ना। डुगडुगी की सुनकर धुन, जब ये डुगडुगी की आवाज़ सुना, आवाज़ मतलब साउंड, सुनना मतलब लिसनिंग, आवाज़ जब सुना तो जब ये गुड़िया ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। देखिए ये गुड़िया कैसे नाच रहा था, ठुमक ठुमक कर गुड़िया नाच रहा था, है ना। डुगडुगी की आवाज़ सुनकर, धुन सुनकर, ट्यून सुनकर, साउंड सुनकर यह गुड़िया ठुमक ठुमक कर नाचता है। गुड़िया चुनमुन और सुमन बहुत खुश हुआ सबका मन। यह है चुनमुन और यह है सुमन और यह है हमारी गुड़िया, और इन सब का मन, जब ये डुगडुगी का आवाज़ सुना तो इन सब का मन बहुत खुश हुआ। खुश होना मतलब, खुश होना मतलब बिकम हैप्पी, दे आर बिकम हैप्पी। जब धुन सुना, डुगडुगी की आवाज़ सुनी, तो सब का मन, मन मतलब हार्ट, हृदय, मन बहुत खुश हुआ, है ना। तो हम साथ में पढ़ते हैं, बजी डुगडुगी, डुगडुगी की सुनकर धुन ठुमक ठुमक नाची गुनगुन, गुड़िया चुनमुन और सुमन बहुत खुश हुआ सबका मन। आया सबको पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं, बजी डुगडुगी, डुगडुगी की सुनकर धुन ठुमक ठुमक नाची गुनगुन, गुड़िया चुनमुन और सुमन बहुत खुश हुआ सबका मन। ओके, अब ऊ की मात्रा वाले शब्द को चुनिए इनमें से, फाइंड आउट द वर्ड्स विद ऊ की मात्रा, कौन कौन सा है? डुगडुगी, सुनकर, धुन, ठुमक ठुमक, गुनगुन, गुड़िया, चुनमुन, सुमन बहुत खुश हुआ। तो देखा, इन सारे शब्द के नीचे कौन सी मात्रा लगे हैं? इन सभी शब्दों के नीचे उ की मात्रा लगी है ना, इस छोटी वाली उ की मात्रा। यह है स्वराक्षर उ, और इस स्वराक्षर की मात्रा है, सिंपल है यह, नीचे हम इस तरह की मात्रा लगाते हैं, तो यह है छोटी वाली उ की मात्रा। ओके, अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। नाचना, नाच मतलब डांस, डांस मतलब नाचना, डांस ही है। बहुत, वेरी मच, खुश, हैप्पी, सबका, ऑल, मन, माइंड, गुड़िया, डॉल। देखा, नाच, डांस, बहुत, वेरी मच, खुश, हैप्पी, सबका, ऑल, मन, माइंड, गुड़िया, डॉल। यह है हमारा शब्दार्थ, और आपको इन शब्दार्थों को अपने नोट में लिखना है आज। और आगे देखिए, यहाँ पर तीन चित्र दिया है, चित्र देखकर शब्द पढ़िए। चित्र, यह है चित्र, देखना मतलब का, सी, लुक एट द पिक्चर, चित्र देखकर, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स, शब्द को पढ़ना है।
पढ़ सकते हैं आप? कोशिश करते हैं, यह किसका चित्र है? गुड का, जागरी का चित्र है, तो नीचे लिखा है गुड। और ये किसका चित्र है? टॉर्टोइस। टॉर्टोइस का हिंदी शब्द क्या है? कछुआ। वेरी गुड। और यह है बुलबुल। बुलबुल एक बर्ड है ना, इस बर्ड का नाम है बुलबुल। तो चार शब्दों की एक बार फिर से पढ़े, गुड, कछुआ और बुलबुल। पढ़ते हैं एक बार फिर से, गुड, कछुआ और बुलबुल, है ना। तो आपको ये चित्र देखना है और इनके नामों को याद करना है। याद किया तो बताइए ये किसका चित्र है? वेरी गुड, गुड का चित्र है। और ये किसका चित्र है? कछुए का चित्र है। और ये किसका चित्र है? बुलबुल का चित्र है। अब आपको कार्य करना है। यहाँ पर स्पेस दिया गया है और यहाँ आपको शब्दों को पूरा करना होगा। क्या है? चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड कम्प्लीट द वर्ड्स। इन चित्रों को देखना है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कम्प्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर आधा आधा दिया है ना, आधा आधा दिया है, ऊ की मात्रा वाले शब्द नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है? अभी बैठकर ऊ की मात्रा वाले अक्षर लगाकर शब्द को पूरा करना है। तो बताइए यह किसका चित्र है? वेरी गुड, गुड का चित्र है, है ना। और ये किसका चित्र है? यह कछुआ का चित्र है। और ये किसका चित्र है? यह बुलबुल का चित्र है। तो आपको पूरा करके हम लिखेंगे, गुड, कछुआ और बुलबुल। लिखा आपने? वेरी गुड। अब आपको ये शब्दों को पढ़ना है। यह भी क्या है? ऊ की मात्रा लगाए हुए शब्द हैं, है ना। दिए गए अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। यहाँ पर कुछ चार शब्द दिया गया है अंग्रेजी में, इंग्लिश में दिया गया है। राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी। इंग्लिश में जो शब्द दिए हैं उनका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है। ओके तो यह है हेरॉन। हेरॉन का हिंदी शब्द क्या है? बगुला। बगुला में ऊ की मात्रा कहाँ पर लगा है? ग में लगा है, है ना। वेरी गुड। पिंक। पिंक का हिंदी शब्द क्या है? गुलाबी। गुलाबी में ऊ की मात्रा कहाँ लगे हैं? ग में लगा है। और अगला शब्द है हैप्पी। हैप्पी का शब्द क्या है? हिंदी में हैप्पी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, खुश कहते हैं ना। कौन खुश हुआ था? गुड़िया, सुमन और चुनमुन। क्या देखकर, क्या सुनकर खुश हुआ था? हाँ, उस डुगडुगी की आवाज़ सुनकर, धुन सुनकर वे खुश हुए थे, है ना। ओके तो हैप्पी का अर्थ है खुश। खुश मतलब हैप्पी होना। डोल। डोल मतलब क्या है? हमारी गुड़िया। गुड़िया में भी कहाँ पर ऊ की मात्रा लगे हैं? ग में ऊ की मात्रा लगे हैं, है ना। वेरी गुड। तो हम इन शब्दों के एक बार फिर से पढ़ते हैं, बगुला, गुलाबी, खुश, गुड़िया। साथ में पढ़ें, बगुला, गुलाबी, खुश, गुड़िया। ओके तो यह है आपका गृह कार्य। आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? दो दिन से हमने ऊ की मात्रा पढ़ रहे थे, है ना, छोटी वाली ऊ की मात्रा, ऊ से गुड़िया, है ना। तो आपको गृह कार्य है अर्थ और अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ पुस्तिका में लिखकर पढ़िए। आपके किताब में, टेक्स्ट बुक में अर्थ लिखना है और इंग्लिश के मीनिंग लिखना है। राइट एंड रीड द मीनिंग्स, मीनिंग एंड द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड इन हिंदी टेक्स्ट बुक। आपके हिंदी टेक्स्ट बुक में इंग्लिश के, अंग्रेजी के मीनिंग भी लिखना है और उन्हें याद भी करना है। तो हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।